गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे एंथ डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या है प्रूव करना पड़ेगा, तो उसी क्रम में देखते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस किस स्टेज के आ सकते हैं। तो अगर आपने एंथ डेरिवेटिव नॉर्मल वे में अगर निकाल भी लिया तो आपको प्रूव करना है उसमें कुछ एडिशन करके या कुछ फॉर्मूलेज लगा के या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स देन प्रूव दैट yn इक्वल टू m टू द पावर n 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n और साइन 2 एम एक्स होल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ दिया हुआ है। आपको ये लाना है, आपको ये क्या करना है प्रूव करना है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, तो गिवन डेटा क्या है y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एन एक्स दिया हुआ है। अब जानते हो nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या करना है m टू द पावर कितना हो जाएगा, जितना टाइम्स आप डेरिवेटिव करोगे m टू द पावर n और साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई टू। सिमिलर मैनर में कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे m टू द पावर n कॉस एम एक्स सॉरी कॉस यहाँ पे एम एक्स है कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू ऐसे। तो देखते हैं हम यहाँ पे टेकिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ द अबव क्वेश्चन देन फाइंड वाई एन इक्वल टू एम टू द पावर एन साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई अगेन प्लस एम टू दी पावर एन कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो ये तो हमने निकाल लिया यहाँ पे एंथ डेरिवेटिव, तो क्या हमें ये प्रूव करना था, नहीं। हमें क्या प्रूव करना था, एम टू दी पावर एन तो दिखना चाहिए। दैट मीन्स देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन है यहाँ पे एम टू दी पावर एन एम टू दी पावर एन यहाँ पे है, फिर क्या लाया है यहाँ पे वन लाया है और यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आपको अंडर रूट है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से वन कब आता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं सिर्फ इतने फंक्शन को m टू दी पावर n कॉमन लेने के बाद क्या बचता है साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये दोनों एंगल है तो हम इसको थीटा एज अ ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर अगर हम कर दें, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन स्क्वायरिंग एंड अंडर रूट टेक बोथ एट अ टाइम। वी फाइंड वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर एन साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू और ये हाफ पावर तो पहले से था यहाँ पे। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा अगर हम एड करेंगे सेम एंगल का तो वन हो जाता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे वन लिख दिया। अगेन अब ये हमने क्या किया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमको पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये, तो हमने क्या लिख दिया साइन टू और थीटा हमने एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू ऐसा ट्रीट किया था। अब ये पावर हाफ था तो रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे टू हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा एम टू दी पावर एन पहले से था वन प्लस साइन टू एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू पहले से था तो हमने टू मल्टीप्लाई किया तो टू बाई टू को कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ पोर्शन क्या था साइन टू एम एक्स प्लस एन पाई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे वन रहने देते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं साइन, ये आपको फार्मूला पता होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है यहाँ पे, क्या फार्मूला होता है यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा कितना हो जाएगा साइन टू एम एक्स कॉस एन पाई प्लस कॉस टू एम एक्स साइन एन पाई और ये पावर हाफ था पूरा का, तो पूरा हमने एज इट इज वैसे ही लिख दिया। अब वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर एन, अब देखो यहाँ पे कॉस एन एक्स इक्वल टू कितना होता है कॉस एन पाई सॉरी साइन एन पाई इक्वल टू कितना होगा हमेशा जीरो होगा, लेकिन कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो अल्टरनेट रहती है ठीक है, इवन ऑन पे डिपेंड करना है तो एन टू दी पावर एन जैसा रहेगा यहाँ पे कॉस एन पाई इक्वल टू कितना होता है माइनस वन टू दी पावर एन और साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो। यहाँ पे साइन एन पाई का टर्म से दैट मीन्स ये कि इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो और जीरो में अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो जीरो ही रहेगा। अगेन साइन टू एम एक्स कॉस एन पाई लिखा हुआ है यहाँ पे तो वन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन साइन टू एम एक्स प्लस जीरो, तो हमें क्या करना था वाई एन इक्वल टू कितना है जीरो हट जाएगा वो वन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन साइन टू टाइम्स ऑफ एम एक्स एंगल। अब यही आपको ध्यान से देखो यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ से आपका ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे प्रूव करना है ठीक है। तो ये क्लियर है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बगल में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाला जो न्यू वीडियोस रहेगा हमें वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की क्लास में बस अभी इतना ही और ये सारी चीजें आप पढ़ो ओके। थैंक यू सो मच वीडियोज देखने के लिए।